तो वहीं देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 17 महीने बाद शनिवार सुबह से भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो गया। पहले दिन 696 श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। किसी भी श्रद्धालु को नंदी हॉल गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया। गणेश मंडप और कीर्ति के मंडपम से ही श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। वहीं पहले दिन दिल्ली, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने महाकाल से सुख समृद्धि मांगी और कोविड से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। एक लंबा इंतजार तय करना पड़ा बाबा के भक्तों को, लेकिन अब उनके लिए खुशी का पल है क्योंकि अब श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं और देश भर से 696 भक्त शामिल हुए। आज अरसे बाद जयकारों से मंदिर का प्रांगण गूंज उठा और इसके साथ ही श्रद्धालुओं में खुशी की लहर थी क्योंकि लंबे अरसे बाद वो शामिल हुए इस भस्म आरती में, लेकिन गर्भगृह में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। के बाद में आज भस्म आरती दर्शन चालू किए गए हैं, जो कि बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है। बाबा महाकाल सभी विश्व का कल्याण करे। जय श्री महाकाल। दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए आए, महाकाल के दर्शन करे, बहुत धन्य हुए। और हम सभी महाकाल जी से प्रार्थना करते कि हमारा देश तरक्की करे और कोरोना से जल्द मुक्त हो जाए। गुजरात से, राजकोट से है, हम सब महाकाल के दर्शन करने के लिए। हमें सौभाग्य मिला है कि हम कोरोना काल के पहले आरती से हम दर्शन करें। जी, मैं बिहार से हूँ। पहली बार मैं बाबा की महाकाल की नगरी में आया हूँ और आज ही जो है से शुरू हुआ जो है से भस्म आरती में का आनंद उठाया। बहुत ही सुखद आनंद पाया बाबा की नगरी में और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, महाकाल से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारा देश जो है से कोरोना मुक्त हो और इनका दर्शन हम सब को बराबर सौभाग्य प्राप्त हो जाए। फिर सब पे ऐसी बनी रहे। आज करीबन 1 से 1.5 साल बाद में कोरोना की महामारी जाने के बाद आज दूसरी लहर के बाद बाबा की जो ये भस्म आरती का प्रोग्राम जो वापस से शुरुआत की गई है और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहली भस्म आरती जो इतने समय बाद में शुरू हुई और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने यहाँ करके बाबा के दर्शन करें और बाबा के दर्शन हुए और इतने सालों बाद अभी कोविड के कारण इतने टाइम बाद दर्शन चालू हुए हैं तो आज आत्मीयता से बहुत प्रसन्नता हुई और इतने अच्छे दर्शन, इतने अद्भुत दर्शन जो हुए वो सब ऊपर वाले की कृपा है। 18 महीने बाद भस्म आरती स्टार्ट हुई है, हम 18 महीने बाद भस्म आरती में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आरती में जो एकदम से लाइट भागती है उसका आनंद अलग ही है। आरती का आनंद लेना अलग ही है।